नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां महज 6 घंटे के अंदर ही अपहृत व्यापारी का रेस्क्यू कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला बीती रात्रि करीब 9 बजे फरियादिया रोशनी सोनी पति कृष्णा सोनी उम्र 20 वर्ष निवासी रामनगर गंज बैतूल थाना गंज में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति कृष्णा सोनी, जो श्री देवी ज्वेलर्स दुर्गा चौक रामनगर में सोना चांदी की दुकान चलाते हैं, कार 4 अज्ञात व्यापारियों ने अपहरण किया। चारों आरोपी एक सफेद रंग की कार में दुकान पर आए थे और सोने गिरवी रखने के बहाने से जबरन कृष्णा सोने को कार में बैठा कर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने कृष्णा सोने के मोबाइल से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फरियादिया द्वारा तुरंत अपने पास के दुकानदार के फोन से 15,000 रुपए और रिश्वत के मोबाइल से 50, रिश्तेदार के मोबाइल से 50,000 रुपए फोन पे के माध्यम से अपहरणकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर किए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पति को नहीं छोड़ा। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए थानागंज में अपराध पंजीबद्ध किया है। कल रात को गंज थाने में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि एक सोने चांदी के व्यापारी का जबरदस्ती कार में बिठाकर अपहरण कर लिया गया है और उस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन करके विवेचना प्रारंभ की गई। और जैसे कि हमको तत्कालीन तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए तो उसमें घटना की पुष्टि हुई और इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी साइबर टीम को भी एक्टिव किया और अपनी टीम को यहाँ से रवाना किया और ये जानकारी ली गई कि ये कार किन किन रास्तों से गई है। और अल्टीमेटली रात को लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपहृत को और इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। सर, ये जो अपहृत व्यक्ति थे कृष्णा सोनी, इनका क्या कनेक्शन था इन लोगों से, कुछ पता चल रहा है? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि कल रात्रि की है ये घटना है, विवेचना इसमें जारी है और अभी ये जो आपने प्रश्न किया ये भी विवेचना का एक बिंदु है। पूर्व में ये आरोपी और अपहृत दोनों चंद्रपुर में अपना व्यापार किया करते थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी आई है, लेकिन हम विवेचना के पश्चात ही ये बताने में सक्षम रहेंगे कि ये घटना का कारण क्या है। इनके घर वालों ने कुछ ट्रांजेक्शन, जो उन्होंने पैसे कुछ मांगे थे फिरौती के रूप में, वो ट्रांजेक्शन किए थे। संबंधित बैंक खाते का भी जानकारी ली गई है और उस बैंक खाते को सीज करा दिया गया है और इसमें जो गाड़ी का प्रयोग किया गया था इस अपहरण में, उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। तो सर, ये माना जाए कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जारी है? ये कहना सही है, इसमें विवेचना जारी है और विवेचना के अन्य बिंदु में जैसे ही जो भी सामने आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, जो आरोपी है उनका क्या देखा? उसकी जानकारी ली जा रही है फिलहाल, तो जैसा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, कपड़ा मुंह में बांध कर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर इन्होंने इस अपहरण का कार्य किया है। अब ये क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी स्थिति है, पूर्व के कोई अपराध है या नहीं, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।